नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनावी साल में सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयासों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले महीनों हुई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा में सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया है। चयन बोर्ड से प्राप्त चयनित 6,552 अभ्यर्थियों में से 4,617 अभ्यर्थियों को पसंद के अनुरूप जिला आवंटन हुआ है। वहीं शेष अभ्यर्थियों को दूसरी वरीयता का जिला आवंटन हुआ है। जिला आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों की 11 से 13 अप्रैल तक काउंसलिंग होगी और इस दौरान वरीयता के हिसाब से अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने जिला आवंटन के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इसके साथ ही काउंसलिंग के अंतिम दिन नियुक्ति पत्र जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को 4 मई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। जयपुर में जबरन शादी कर एक युवती को बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। फोन कॉल के जरिए दोस्ती कर आरोपी ने नौकरी लगाने का झांसा दिया। इंटरव्यू के बहाने होटल में बुलाकर आरोपी ने रेप किया। खींचे गए न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। ब्लैकमेल कर जबरन आर्य समाज में शादी कर मारपीट कर रुपयों की मांग करने लगे। महेश नगर थाने में आरोपी के चंगुल से भागी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीकर निवासी 31 वर्षीय युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले करीब 5 साल से महेश नगर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इस दौरान फोन कॉल के जरिए उसकी बातचीत आरोपी से होने लगी। आरोपी ने जॉब लगाने का झांसा देकर 2018 में जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में इंटरव्यू के बहाने बुलाकर रेप किया। उसके न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। मार्च 2022 में ब्लैकमेल कर उसे गाजियाबाद ले गया, जहां जबरन आर्य समाज में शादी कर ली। उसको बंधक बनाकर रुपए की मांग को लेकर मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है तो आपके लिए सरकारी नौकरी करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 200 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा उनके पास कंप्यूटर पर इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बूंदी की गेंडोली थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। थाना अधिकारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि 1 अप्रैल को आरोपी 6 साल की खेलती हुई नाबालिग बालिका को टॉफी खिलाने के बहाने से सूने मकान में ले गया और मासूम से रेप करने का प्रयास किया। बच्चे के चिल्लाने व पड़ोसी के देखने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर 38 वर्षीय आरोपी महावीर उर्फ माइकल मीना निवासी छालेजी का बराना को 24 घंटे में कोटा से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादीशुदा था और उसके 1 बच्चा भी है। आरोपी को ढूंढने के लिए कोटा में लगभग 20 हॉस्टलों तलाश करने के बाद आरोपी मिला। हरियाणा के करनाल में बसंत विहार के व्यक्ति के साथ साइबर ठगों ने फ्रॉड करते हुए उसके खाते से 1,99,118 रुपए निकाल लिए। ठग ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए व्यक्ति से उसकी बातों में उलझाकर बैंक डिटेल ले ली। बसंत विहार निवासी सत्यनारायण ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसका खाता SBI मॉडल टाउन करनाल में है। बीती 23 मार्च को वह अपनी 5 लाख की FD बंद करवाने के लिए बैंक में गया था। बैंक कर्मी ने 23 मार्च को ही पैसा खाते में आने का आश्वासन दिया था, लेकिन 30 मार्च तक भी उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया। उसने SBI की वेबसाइट से बैंकों को लैंडलाइन नंबर पर संपर्क किया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। साइट पर 1 नंबर मिला और उसने स्वयं को बैंक का कर्मचारी बताकर सारी जानकारी ली और विश्वास में लेकर खाते से 1,99,118 रुपए उड़ा लिए। पुलिस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। भीलवाड़ा जिले में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 20 साल की युवती की मौत हो गई। वह अपने चाचा के साथ जा रही थी।
हादसे का कारण एनएच 158 के निर्माण कार्य की धीमी गति को माना जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों और लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर मंडल सीओ व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत किया। सीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मंडल निवासी 20 वर्षीय मुस्कान अपने चाचा वसीम मोहम्मद के साथ बाइक पर भीलवाड़ा से अपने घर जा रही थी। इस दौरान सल्जर फैक्ट्री के पास सामने से आ रही पिकअप से बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में मुस्कान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं वसीम घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में लोक परिवहन बसों ने दो जनों की जान ले ली। अलग अलग जगहों पर हुए दोनों हादसों में बाइक सवार युवक थे। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट के दोनों मामले विश्वकर्मा और बनी पार्क इलाके के हैं। एक्सीडेंट थाना वेस्ट थाना प्रभारी नारायण सिंह ने बताया कि पहला हादसा वीकेआई इलाके में रोड नंबर 12 पर हुआ। सीकर की ओर से आ रही लोक परिवहन बस ने चौराहे पर घूम रहे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में भांगरोटा स्थित नरसिंहपुरा निवासी 23 वर्षीय विजय चौधरी की मौत हो गई। दूसरी घटना बनी पार्क इलाके में हुई। बिंदायका स्थित डाबर की ढाणी निवासी 25 वर्षीय गोविंद नारायण चौधरी बाइक से पानी पेश तिराहा से जा रहे थे। इसी दौरान लोक परिवहन की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से बस छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल नारायण चौधरी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। भीलवाड़ा जिले में बीमार चल रही एक महिला के कमरे में अचानक से आग लग गई। आग में जलने से महिला की मौत हो गई। हादसे के समय परिवार के लोग घर में नहीं थे और महिला का कमरा अंदर से बंद था। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बेटी नीचे आई, तब घटना का पता चला। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा खोला। सूचना मिलने के बाद गंगापुर सीओ व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मामले को संदिग्ध मानते हुए मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। गंगापुर थाना प्रभारी राजेंद्र जैन ने बताया कि गोवलिया गांव में एक महिला की जलने से मौत होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला की शिनाख्त 35 वर्षीय राधा पत्नी देवीलाल माली के रूप में हुई है। कमरा अंदर से बंद होने व महिला के कुछ दिनों से बीमार होने से पुलिस को सुसाइड का संदेह हो रहा है। वहीं बंद कमरे में हादसे को लेकर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। कोटा जिले में उद्योग नगर थाना इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 2 मार्च के उद्योग नगर के बॉम्बे योजना निवासी आरोपी पति 26 वर्षीय अजय नायक ने पत्नी लक्ष्मी की कमरे में बंद कर लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। लक्ष्मी बूंदी की बसौली की रहने वाली थी और 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। लक्ष्मी के परिवार ने रिपोर्ट दी थी कि शादी के करीब 6 महीने बाद से ही उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। आए दिन मारपीट की जाती थी। आरोपी पति अजय ने कमरे में बंद करके लक्ष्मी को बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद देर रात जब लक्ष्मी की तबीयत खराब हुई तो ससुराल वाले उसे लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाड़मेर जिले में शादी के 1 साल बाद विवाहिता के टांके में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। थाई ने अपने जीजा पर दहेज के लिए मर्डर करने का आरोप लगाया है। घटना कुड़ला गांव रिको थाने की है। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल महिला सेल डीएसपी पूरे मामले की जांच में जुटी है। वही मृतका के ससुराल का कहना है कि पैर फिसलने से टांके में गिरने से मौत हुई है। विवाहिता के चाचा मोहन गोदारा का कहना है कि 20 वर्षीय भतीजी लक्ष्मी की शादी 1 साल पहले गणेशाराम निवासी कुड़ला के साथ की थी। शादी के बाद से 2 लाख रुपए और 10 तोला सोने की डिमांड करने के साथ विवाहिता के साथ मारपीट कर रहे थे। इस संबंध में कई बार पंचायतें भी हुई। सुबह रिको पुलिस को सूचना मिली थी कि विवाहिता का टांके में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने 1.5 माह पहले अपहरण के घटनाक्रम में 3 आरोपियों को बूंदी के इंद्रगढ़ क्षेत्र में आकर गिरफ्तार किया है, जबकि इस प्रकरण में अभी 2 आरोपी फरार हैं। इसमें मुख्य आरोपी पीड़ित का जीजा है, जिसने रुपयों की खातिर क्षेत्र के इटावा के पास अपने साले का अपहरण करवाया और उसके साथ जमकर मारपीट की। थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया कि 19 फरवरी को इटावा के पास एक्सप्रेसवे इलाके से कुछ अपराधियों ने पीड़ित रिंकू मीना का अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने पीड़ित से नकदी व सोने के आभूषण छीन लिए और उसे इंद्रगढ़ के पास स्थित करवर के जंगल में ले गए, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई। सुबह जब कुछ लोगों को इस बारे में पता चला तो आरोपी अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए थे।